सर थोड़ी सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, ये कैसे काम करता है कि जैसे उसमें बोलते हैं कि चीज़ें आप लगा लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कहाँ लगाओ, किस डायरेक्शन में लगाओ। तो आज आपने देखो, मैं बताता हूँ कि आपने अक्सर मल्टी लेवल मार्केटिंग्स में या नेटवर्किंग कंपनी में अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आप ना विजन बोर्ड बनाओ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, भगवान से कुछ चीज़ें मांगो तो आपको मिलेंगी। तो मैं बताऊँगा कि ये अधूरा सच है, ये सच तो है लेकिन अधूरा सच है। मैंने आपको बताया ना कि डिज़ायर फुलफिलमेंट की हमारे घर में एक दिशा होती है जो हर आदमी की डेट ऑफ बर्थ से अलग अलग होती है। तो यदि आपको 11 नंबर राशि जिस हाउस में बैठी हुई है उस हाउस की भी एक दिशा है, यदि आप उस विजन बोर्ड को उस दिशा में लगा देते हो, जैसे आपको एक मर्सिडीज कार चाहिए, ये वाला आपको मॉडल चाहिए और आपको इस टाइम फ्रेम में चाहिए, ऐसा थोड़ी कि मैंने विजन बोर्ड लगा दिया मुझे अब मेहनत नहीं करनी है। तो देखो जो MLM कंपनी के लोग या नेटवर्किंग लोग ये बताते हैं कि आपको एक ऐसा विजन बोर्ड लगाना है, तो विजन बोर्ड स्पेसिफिक आपको उस जोन में लगाना है, उसी जोन में बैठकर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मेडिटेट करना है या विजुलाइजेशन करना है। उससे उस देवता को ये मालूम चल जाता है कि ये बच्चा जिसके लिए मैं बना हूँ, इसके काम के लिए ये क्या चाहता है, तो वो आपकी मदद करने लग जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आनी शुरू हो जाती है। आप उन अपॉर्चुनिटी को आप कितना कैश करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।